हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मूवीज डिस्कशन में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी डिस्कस करने वाला हूं उसका नाम है द फ्लाई। यह मूवी 1986 में रिलीज हुई थी। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के से जिसका नाम है सेथ ब्रूंडल, जो कि एक पार्टी अटेंड कर रहा होता है। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है वेरोनिका। सेथ वेरोनिका से अपने नई इन्वेंशन के बारे में बताता है और बोलता है कि उसका यह इन्वेंशन इंसान के जीवन को बदल कर रख सकता है। सेथ वेरोनिका से कहता है कि वह उसके साथ काम करे, पर वेरोनिका को सेथ की बातों का विश्वास नहीं होता और वहां से जाने लगती है। पर सेथ किसी तरह उसे मना लेता है और वेरोनिका को अपने साथ अपने लैब में ले जाता है। सेथ वेरोनिका को अपनी बनाई हुई मशीन दिखाता है जिसे वह टेलीपोर्ट्स कहता है, जिसकी मदद से किसी भी चीज को एक टेलीपोर्ट्स से दूसरे टेलीपोर्ट्स में ट्रांसफर कर सकता है। इस टेलीपोर्ट्स को चलाने के लिए एक कंप्यूटर भी था। तो सेथ एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए वेरोनिका से एक कपड़ा मांगता है। तो सेथ उस कपड़े को एक टेलीपोर्ट्स में रखता है और जब एक्सपेरिमेंट पूरा होता है तो वह कपड़ा दूसरे टेलीपोर्ट्स से निकल जाता है। इसे देख वेरोनिका शॉक हो जाती है। वेरोनिका अपनी टेप रिकॉर्डर निकाल के सब चीज रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है और सेथ से अपनी एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछती है। जब सेथ को पता चलता है कि वेरोनिका सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है तो वह वेरोनिका से पूछता है कि तुम यह सब रिकॉर्ड क्यों कर रही हो। तो वेरोनिका बोलती है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मुझे एक न्यूज की जरूरत है। पर सेथ इस न्यूज को छापने से मना कर देता है, पर वेरोनिका उसकी बातों को नहीं मानती है और वहां से चली जाती है। फिर वेरोनिका अगले दिन अपने ऑफिस जाती है और यह टेप रिकॉर्डर अपनी बॉस बोरांस को सुनाती है, पर बोरांस उसकी बातों को पर विश्वास नहीं होता। और तभी सेथ भी वहां आ जाता है और बोरांस वहां से चला जाता है। फिर वेरोनिका सेथ को बर्गर खाने के लिए बुलाती है। सेथ वेरोनिका से कहता है कि इस इन्वेंशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और अभी तक मैंने सिर्फ नॉन लिविंग थिंग पर एक्सपेरिमेंट किया है। सेथ बोलता है कि इस न्यूज के ऊपर एक आर्टिकल ही नहीं एक बुक लिखनी चाहिए। अगले ही दिन वेरोनिका सेथ की लैब में आती है और वहां हम देखते हैं कि सेथ लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है और वेरोनिका यह सब चीज अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर सेथ उस मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है तो हम देखते हैं कि दूसरे टेलीपोर्ट्स में वह मंकी का शरीर पूरी तरह से जल जाता है, जिसे देख सेथ को बहुत गुस्सा आता है। फिर वेरोनिका उसे समझाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। रात को सोते समय सेथ को एक आइडिया आता है और वह मांस के टुकड़े से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है और टेलीपोर्ट करने में कामयाब हो जाता है। जब वेरोनिका सेथ के लिए कपड़े खरीदने जाती है तो उसे वहां बोरांस मिलता है। वह दोनों बहस करने लगते हैं क्योंकि बोरांस उस पर नजर रख रहा होता है। अगले दिन में हम देखते हैं कि सेथ एक मंकी के ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है, पर इस बार वह एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, जिसे देख वेरोनिका उसे कांग्रेचुलेशन करती है। वेरोनिका बोरांस की आर्टिकल को देखकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वह आर्टिकल सेथ की एक्सपेरिमेंट के ऊपर था। फिर वेरोनिका बोरांस के ऑफिस जाती है और उसे इस आर्टिकल के बारे में पूछती है। तब हमें पता चलता है कि बोरांस वेरोनिका का पुराना बॉयफ्रेंड है। वेरोनिका बोलती है कि इस आर्टिकल को वह खुद लिखना चाहती है। जब सेथ को पता चलता है कि बोरांस वेरोनिका का बॉयफ्रेंड है तो वह गुस्से में ड्रिंक करने लगता है और फिर सेथ अपने आप को टेलीपोर्ट करने का डिसीजन लेता है। जब सेथ टेलीपोर्ट्स में बैठता है तभी उस टेलीपोर्ट्स में एक मक्खी भी आ जाती है। जब टेलीपोर्ट पूरा होता है तब सेथ के साथ वह मक्खी भी टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर जब रात को सेथ सो रहा होता है तब वेरोनिका उसे मिलने आती है और सेथ उसे बोरांस बारे में पूछता है और वेरोनिका बोलती है कि वह सिर्फ मेरा पुराना बॉयफ्रेंड था। जब सेथ और वेरोनिका सो रहे थे तो सेथ को एक मक्खी परेशान कर रही थी। तभी सेथ उस मक्खी को पकड़ लेता है, जिसे देख सेथ हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है कि सेथ का दिमाग बहुत तेज हो गया है। अगले सुबह हम देखते हैं सेथ अपनी बॉडी को पूरी तरह से घुमा पा रहा था और उसकी ताकत भी बढ़ चुकी थी। अगले दिन में हम देखते हैं कि सेथ और वेरोनिका दोनों कॉफी पीने जाते हैं और वहां वेरोनिका देखती है कि सेथ बहुत ही ज्यादा चीनी खा रहा होता है। अगले सीन में वेरोनिका सेथ की पीठ में देखती है कि वहां पर कटने का निशान है और वहां से बाल उग रहे हैं। तो सेथ उसकी बातों को अनदेखा कर देता है और बोलता है कि यह शायद टेलीपोर्ट के कारण हुआ है। और सेथ वेरोनिका से कहता है कि हम दोनों एक साथ टेलीपोर्ट हो जाते हैं, पर वेरोनिका मना कर देती है और वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं
सेठ एक बार में जाता है जहां वह एक लड़के से शर्त लगाता है कि अगर मैं तुमसे पंजा लड़ाने से जीत जाता हूं तो मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तभी सेठ जब उस लड़के के साथ पंजा लड़ाता है तो उस लड़के का हाथ बीच से ही टूट जाता है और सेठ उस लड़की को अपने साथ लैब में ले आता है और दोनों इंटीमेट होने लगता है। वह लड़की भी सेठ से इम्प्रेस हो जाती है। तभी सेठ फिर से अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है और उस लड़की को भी अपने साथ टेलीपोर्ट करने ले जा रहा होता है। तभी वेरोनिका वहां पर आ जाती है और उसे देख वह लड़की वहां से चली जाती है। वेरोनिका सेठ को बोलती है कि वह तुम्हारे कटे हुए बाल का टेस्ट करवाया है और पता चला है कि वह एक इंसेक्ट का बाल है। तभी हम देखते हैं कि सेठ का चेहरा बिगड़ने लगता है और वेरोनिका उसे बोलती है कि तुम बदल चुके हो और बीमार हो। फिर सेठ गुस्से में आकर वेरोनिका को बाहर निकाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेठ का नाखून बहुत ही आसानी से उखड़ जा रहा था और उसके चेहरे में भी बाल आने शुरू हो चुके थे और उसके शरीर से अजीब सा लिक्विड भी निकल रहा था। और सेठ सोचता है कि यह सब चीज उस टेलीपोर्ट के कारण हुई है। फिर जब सेठ अपने एक्सपेरिमेंट को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि जब वह टेलीपोर्ट होकर बाहर निकला था तभी उस बॉक्स में एक मक्खी थी जिसके कारण कंप्यूटर पहचान नहीं पाया और उन दोनों को एक साथ टेलीपोर्ट कर दिया। फिर सेठ जान जाता है कि वह अब एक मक्खी में बदल रहा है। वह बहुत ही घबरा जाता है और वेरोनिका को अपने लैब में बुलाता है। जब वेरोनिका उसकी लैब में आती है और देखती है कि सेठ पूरी तरह से बदल चुका है और उसका चेहरा बहुत ही गंदा लगने लगा है, तभी वेरोनिका देखती है कि सेठ मक्खी की तरह खाना खा रहा है। यह सब चीज देखकर वेरोनिका घबरा जाती है और बोरांस के पास मदद मांगने जाती है। फिर वह दोनों सेठ की लैब में जाते हैं पर बोरांस बाहर ही खड़ा रहता है। जब वेरोनिका अंदर आती है तो वह देखती है कि सेठ मक्खी की तरह दीवार में चल रहा है और उसका स्वभाव भी बदलने लगा है। फिर सेठ वेरोनिका से कहता है कि एक वीडियो बनाने के लिए। उस वीडियो को देख बोरांस चौंक जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वेरोनिका बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और यह बच्चा सेठ का है। यह सुनकर बोरांस भी टेंशन में आ जाता है। फिर एक रात वेरोनिका सपने में देखती है कि उसका डिलीवरी हो रहा होता है और डिलीवरी के वक्त उसके अंदर से बच्चा नहीं बल्कि एक कीड़ा निकलता है। तभी वेरोनिका उठ जाती है और उसे लगने लगता है कि उसका बच्चा भी इंसेक्ट की तरह पैदा होगा। अगले दिन हम देखते हैं कि सेठ कंप्यूटर में अपने आप को ठीक करने का सलूशन निकाल रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं किसी इंसान के साथ टेलीपोर्ट हो जाऊं तो मैं ठीक हो सकता हूं। फिर हम देखते हैं कि वेरोनिका सेठ से मिलने लैब में आती है पर उसकी हालत देखकर वेरोनिका कुछ बता नहीं पाती है और वहां से चली जाती है। बाहर आने के बाद बोरांस से कहती है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाने क्योंकि उसे एबॉर्शन करवाना है। फिर बोरांस उसे समझाने की कोशिश करता है पर वेरोनिका मना कर देती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। उन दोनों की बात सेठ ऊपर छत से सुन लेता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर आधी रात को एबॉर्शन करने के लिए मना कर देता है पर बोरांस उसे समझाता है कि यह बहुत ही इमरजेंसी है। फिर डॉक्टर एबॉर्शन करने के लिए मान जाता है। जब वेरोनिका बिस्तर पर लेटी रहती है तभी वहां पर शीशा तोड़ घर सेठ वहां पर आ जाता है। वेरोनिका को अपने साथ अपने लैब में ले जाता है और कहता है कि उसे यह एबॉर्शन नहीं करवाने के लिए, पर वेरोनिका सेठ को मना कर देती है। फिर बोरांस अपनी गन लेकर सेठ की लैब में आता है और सेठ पीछे से हमला करता है और अपनी थूक से बोरांस के हाथ को गला देता है और उसके पैर को भी गला देता है जिसके कारण बोरांस घायल हो जाता है। फिर सेठ वेरोनिका को अपने साथ टेलीपोर्ट होने को कहता है पर वेरोनिका उसे मना कर देती है। तो सेठ जबरदस्ती वेरोनिका को टेलीपोर्ट करने के लिए ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह दोनों एक साथ टेलीपोर्ट हो जाएं तो उसकी जान बच सकती है। फिर वेरोनिका सेठ के जबड़े को पकड़ लेती है और उसके बाद उसका जबड़ा कट के गिर जाता है। फिर धीरे धीरे सेठ की शरीर से उसका मांस गिरना शुरू हो जाता है जिसके कारण सेठ एक भयानक इंसेक्ट की तरह दिखने लग जाता है। फिर सेठ वेरोनिका को दूसरे बॉक्स में बंद कर देता है और अपने आप को पहले बॉक्स में बंद कर देता है। उसी समय बोरांस अपनी गन उठाकर दोनों बॉक्स को कनेक्ट करने वाले वायर पर शूट करता है जिसके कारण एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। फिर वेरोनिका को कुछ होता नहीं है पर जिस बॉक्स में सेठ था उस बॉक्स में टेलीपोर्ट होने के कारण सेठ की हालत उसी तरह हो जाती है जिस तरह उस पहले वाले मंकी का हुआ था। सेठ अब पहले से भी घिनौना दिखने लगा था। फिर सेठ वेरोनिका को गोली मारने को कहता है पर वेरोनिका ना चाहते हुए भी उसे गोली मार देती है और सेठ वहीं पर मर जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह की हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए।